हल्द्वानी में इलेक्ट्रॉनिक और गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इस दौरान मौके पर एसपी क्राइम जगदीश चंद्र, कोतवाल हरेंद्र चौधरी, एसओ नीरज भाकुनी समेत पुलिस के तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामला शॉर्ट सर्किट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है। मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रेलवे बाजार का है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रेलवे बाजार हल्द्वानी का ये मामला है। 11 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि एक दुकान जिसमें कि गद्दे हैं, ये गद्दों की दुकान थी, वहाँ पे आग लग गई है और बड़ी तेज़ी से आग फैली, क्योंकि इसमें गद्दे रखे हुए थे, फोम के गद्दे थे। सूचना पे तुरंत से जो फायर की सर्विस की गाड़ियाँ हैं वो पहुँची, फायर टेंडर पहुँचे, सीएफओ खुद मौके पर मौजूद हैं, थाना बनभूलपुरा की टीम, अन्य जो आसपास के थानों के कर्मी भी यहाँ पर आए हैं। आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया है, लगभग उनका सभी सामान जल गया है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है, संभवतया शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी होगी, लेकिन ये पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। इसमें जो ओनर है सागर, उनका कहना है कि उनके दुकान का सारा सामान इसमें जल चुका है।